तुलजा भवानी मंदिर संस्थान ने एक पत्रक जारी किया है जिसमें कहा कि महाराष्ट्र की कुलस्वामिनी श्री तुलजा भवानी माता का शारदीय नवरात्र उत्सव इस साल कोविड के चलते सादगी के साथ मनाया जाएगा। मंदिर में सिर्फ शरद नवरात्रि उत्सव का धार्मिक अनुष्ठान किया जाएगा। तुलजा भवानी मंदिर संस्थान द्वारा शारदीय नवरात्रि उत्सव के संबंध में एक जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2020 तक के अवधि के लिए धार्मिक स्थलों और पूजा स्थलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शरद नवरात्रि त्योहार मनाया जाएगा। वाहनों और पैदल आने वाले भक्तों को इस दौरान तुलजापुर में प्रवेश पर अनुमति नहीं होगी। साथ ही तुलजापुर में सार्वजनिक नवरात्रि मंडलियों को भी भवानी ज्योत ले जाने पर शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शरद नवरात्रि उत्सव के दरमियान परंपरा के अनुसार अनुष्ठानों के लिए आवश्यक केवल महंत पुजारी और मानकरी इन्हें ही मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। यह अनुमति विभागीय पुलिस अधिकारी और तहसीलदार के अनुमोदन से दी जाएगी। नवरात्रि त्योहार में भक्त घर पर सुरक्षित रहने की अवधारणा के साथ ही श्री तुलजा भवानी के दर्शन मंदिर प्रशासन ने मंदिर संगठन की आधिकारिक वेबसाइट www.shritulzabhavani.organization पर जाकर सहयोग करने की अपील भी की है। NBC न्यूज के लिए तुलजापुर से प्रतीक भोसले की रिपोर्ट।